स्वागत करता हूँ आपका डी बॉयज एंटरटेनमेंट में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं इस वीडियो में और इस चैनल में कुछ अकाउंट्स की वीडियो भी लेके आऊँगा जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। ये क्वेश्चंस और ये वीडियो बेस्ड होंगी उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो आपकी हेल्प करेंगी CBSE बोर्ड एग्जाम 2019 में। तो दोस्तों ये ऐसा ही मैं एक असम्स लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि प्रोबेबिलिटी और इसके CBSE एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, वो सम्स है TS गेरेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 74 वॉल्यूम फर्स्ट। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, व्हाइट बोर्ड पर दे रखा है, एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं देन उसके बाद में हम आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है द कंपनी ऑफ ए बी एंड सी एज ऑन 31 मार्च 2018 अमाउंट रुपीज 90,000, 3,30,000, 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट अमाउंटिंग रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 2017 and 2018 were distributed in the ratio of 4:1 after allowing interest on capital at the rate 10% per annum. During the year, each partner withdrew rupees 3,60,000. The partnership deed was silent as to profit sharing ratio and provide for interest on capital at the rate 12% per annum past the necessary general entry, it means past the adjustment entry. तो सबसे पहले तो दोस्तों इस सम समय हमें कुछ उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है जिनकी वजह से आपके क्वेश्चंस की पूरी लैंग्वेज ही चेंज होने वाली है। तो सबसे पहले क्या है, जो प्रॉफिट हमारा दे रखा था 1,80,000, वो प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है किस रेशियो में, 4:1 में। ईच पार्टनर की जो ड्रॉइंग दे रखी है वो दे रखी है 3,60,000, कितनी दे रखी है 3,60,000। तो दोस्तों आपने क्वेश्चंस पढ़ा होगा, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो स्क्रीन को कर दीजिए, अपनी वीडियो को कर दीजिए अभी पॉज, और पॉज करने के बाद में क्वेश्चंस को एक प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद में फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं पता चल रहा है कि इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है या नहीं दे रखी है। इस क्वेश्चन में क्लियरली पता चल रहा है कि क्योंकि जो कैपिटल की जो डेट दे रखी है 90,000, 3,30,000 और 6,60,000, इन तीनों कैपिटल की डेट दे रखी है 31 मार्च 2018। इसका मतलब क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाइड है, इस क्वेश्चन में दे रखी है एंड कैपिटल। और दोस्तों मैंने बताया था आपको, आपने पढ़ा होगा, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, नॉर्म्स कहती है, पार्टनरशिप एक्ट कहती है कि कभी भी एंड कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता है, ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है ओपनिंग कैपिटल पर। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अगेन मैं इस बार फिर से आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। देखते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। दोस्तों इस ओपनिंग कैपिटल को बहुत सारे ट्यूटर्स और बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे बच्चे बिगनिंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिगनिंग कैपिटल। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहां? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा, बड़ा इजी फॉर्मूला होता है। जो हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, इट मीन्स एंड कैपिटल दे रखी है, इस एंड कैपिटल में जो भी अमाउंट होगा एड ड्रॉइंग को क्या करा देंगे हम इसमें ऐड। कोई कन्फ्यूजन? जो ड्रॉइंग हमें दे रखी होंगी ड्रॉइंग को क्या करा देंगे? ऐड। जो कि इस समय में कितनी दे रखी है? 3,60,000 दे रखी है ईच पार्टनर की ड्रॉइंग, लेस प्रॉफिट, और प्रॉफिट को कर देंगे माइनस। फाइनली अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी दे रखी होती है किसी समय, या एडिशनल कैपिटल दे रखी होती है, तो उसके भी एडजस्टमेंट सेम ही होते हैं, लेस एडिशनल कैपिटल लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सबको माइनस प्लस करने के बाद जो हमारे पास फिगर आएगा निकल के, वो निकल के आएगा ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल के आएगा दोस्तों? ओपनिंग कैपिटल। एक बार इस फॉर्मूले को नोट कर लो जिससे आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं समझ में हम। तो आगे का पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी, जैसा कि बताया था मैंने आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी भी पार्ट सजेस्टमेंट को सम्स को सॉल्व करने के लिए, अगर आपको किसी सम्स को सॉल्व करना है और सम्स है आपका अगर पार्ट सजेस्टमेंट का, तो क्या करना पड़ेगा? आपको बनानी पड़ेगी एनालिटिकल टेबल। उस एनालिटिकल टेबल के थ्रू ही आप पार्ट सजेस्टमेंट के सम्स को कर सकते हो सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? पार्ट सजेस्टमेंट के सम्स को करेंगे सॉल्व।
चलिए सबसे पहले बना लेते हैं एनालिटिकल टेबल। कंपनी में तीन पार्टनर है ए बी और सी, कितने कॉलम बनेंगे? फोर कॉलम। ईच कॉलम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। ए बी सी एंड द फर्म्स, बी सी एंड द फर्म्स, एंड ईच कॉलम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन फॉर डेबिट एंड वन फॉर क्रेडिट, वन फॉर डेबिट एंड वन फॉर क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? जो सम्स मैंने अभी सॉल्व किया था, ओपनिंग कैपिटल बनाई थी, उसमें अलग अलग फिगर्स कैलकुलेट किए थे। दिस वन कॉलम इज पर्टिकुलर, फर्स्ट वन आई यू सी एट द रेट 10%, लिखना स्पेसिफाई है जिससे कि एग्जामिनर को पता चल सके कि आई सी की जो रेट दे रखी है, जो अमाउंट दे रखा है आई सी, तो वो 10% वाला आई सी का अमाउंट है, इसलिए आपको लिख देना है 10%, एग्जामिनर के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर? जनरली क्वेश्चन से बोला गया है इंटरनल कैपिटल देना था 12%, दे दिया है 10%, मींस इंटरनल कैपिटल तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेबिट। एक का जो हमने इंटरनल कैपिटल कैलकुलेट किया था उसका अमाउंट आया था 30,000, अगर आपको ना याद हो, माइंड में ना हो, तो वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ और देख लीजिए। बी का जो अमाउंट निकल के आया था वो निकल के आया था 60,000, और सी का जो अमाउंट निकल के आया था वो आया था 90,000। कितना आया था दोस्तों? 90,000। इनका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए इंटरनल कैपिटल को क्या कर दिया मैंने? डेबिट। सेकंड थिंग, प्रॉफिट जो कि बटना चाहिए था इक्वली, गलती से कैसे बढ़ गया? 4:1:1 में। अब इसका भी तो इफेक्ट हमें नलीफाई करना पड़ेगा, तभी इसका एक्जेक्टली आंसर आएगा। तो सेकंड क्या करना पड़ेगा हमें? प्रॉफिट के इफेक्ट को भी करना पड़ेगा नलीफाई, जो बढ़ चुका है 4:1:1। दोस्तों आपको इसे भी स्पेसिफाई करना है, इसे पता चल सके ये वो प्रॉफिट है जो 4:1:1 में बटा है। दोस्तों अगेन, प्रॉफिट पहले से मैंने कैलकुलेट किया था, अमाउंट आया था 1,20,000, 30,000 एंड 30,000। अगर आपके माइंड में नहीं है, फिर से वीडियो पॉज करो और पीछे जाके देख लो। ए का आया था 1,20,000, बी का 30,000 एंड सी का अगेन 30,000। यहाँ तक क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बेस पर, पार्टनर्स के जितने भी कॉलम होंगे, ये कॉलम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेस पर बनता है, और फर्म के कॉलम बनता है, ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बिहाफ पर, या कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगी। फाइनली क्या कर देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट के अमाउंट को आपको शो कर देना है फर्म में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, आपने अच्छी तरीके से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का अमाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां आता था? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में। बड़े अच्छे से याद रखना, अगर यहाँ अमाउंट आया है डेबिट में, फर्म में जाएगा रिवर्स कॉलम में, इट मीन्स यहाँ डेबिट कॉलम में आए हैं तो फर्म में कहाँ जाएगा? क्रेडिट कॉलम में जाएगा। तो फटाफट से ऐड कर लेते हैं अमाउंट को, 30, 60, 90, 90 कितना हो जाएगा? 1,80,000। पार्टनर्स कॉलम के कहाँ आया है? डेबिट में। ए की डेबिट साइड में आया है, बी के भी डेबिट साइड में आई आई सी, और सी की भी डेबिट साइड में ही आई ओ सी आई है, तो इट मीन फॉर्म में कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में आएगी। सेम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट ए के कॉलम में डेबिट में आया है, बी के कॉलम में भी डेबिट में आया है, सी में भी डेबिट में आया है, तो फॉर्म में कहाँ जाएगा? फॉर्म में भी जाएगा क्रेडिट। जब ऐड करेंगे 1,20,30, 1,50 और 30, 1,80,000, ये भी कहाँ जाएगा? आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर? अब जैसा समसन बोला गया है कि इंटरेस्ट कैपिटल देना था 12%, जैसा समसन बोला गया है जनरली हमें क्या कर देना है? वैसे ही इंटरेस्ट कैपिटल को कैलकुलेट कर लेना है। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, 12% पर एनम। आपको पता है जब हमने कैलकुलेट की थी ओपनिंग कैपिटल बनाई थी एंड कैपिटल से, तो अमाउंट आया था आपका 3,00,000, 6,00,000 और 9,00,000। इन तीनों अमाउंट पर आपको क्या कर लेनी है? इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैपिटल कर लेनी है कैलकुलेट। 3,00,000 का 12% कैलकुलेट कर लो तो अमाउंट आएगा 36,000, और आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आईओसी शो करते हैं हम क्रेडिट साइड में, तो 36,000 कहाँ शो करेंगे हम? क्रेडिट साइड में शो करेंगे। सेकंड, बी की जो ओपनिंग कैपिटल आई थी वो आई थी 6,00,000
और 6 लाख पे अगेन क्या करने हैं आपको 12% इंटरनल कैपिटल कर लेनी है कैलकुलेट। तो 6 लाख पे जब 12% इंटरनल कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आएगा 72,000। अगेन सी का कैलकुलेट कर लो, सी की ओपनिंग कैपिटल आई थी 9 लाख और 12% कैलकुलेट करोगे तो आएगा अमाउंट 1,08,000। क्लियर दोस्तों। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट मीन पार्टनर्स के कॉलम में आईओसी क्रेडिट कॉलम में आई है, इट मीन फॉर्म में कहाँ जाएगी डेबिट कॉलम में जाएगी, फॉर्म में कहाँ जाएगी डेबिट कॉलम में। तो एक बार सबको प्लस कर दो, फॉर्म में डेबिट कॉलम में लिख दो 1,08,000 प्लस 72,000 प्लस 36,000 अमाउंट आएगा आपका 2,16,000। कितना आएगा 2,16,000 जो कि हमने फॉर्म में लिख दिया है डेबिट कॉलम में, तो कन्फ्यूजन। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, फॉर्म में डेबिट के कॉलम को क्रेडिट के कॉलम को करना है कंपैरिजन, दोनों साइड का अमाउंट को सेपरेटली करना है, टोटल डेबिट का अमाउंट ज्यादा है या फिर क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है। तो देखते हैं जब हमने डेबिट का टोटल किया तो टोटल आया 2,16,000 कहीं साइड में रफली लिख लो, और क्रेडिट का टोटल किया तो क्रेडिट का टोटल आया है 1,80,000 प्लस 1,80,000 3,60,000। कितना आया दोस्तों 3,60,000। अब ये तो आप अच्छे से बता सकते हो डेबिट का अमाउंट ज्यादा है क्रेडिट का ज्यादा है, क्रेडिट का ज्यादा है, कितना ज्यादा है वैल्यू माइनस कर दो, माइनस 2,16,000 वैल्यू बचेगी आपकी 1,44,000। अगर हम 1,44,000 डेबिट साइड में और ऐड कर दें माय बैलेंस ही फिगर तो क्रेडिट इक्वल हो जाएगा वेरी गुड। टोटल कर दो 3,60,000, इस साइड का भी अमाउंट हो गया और इस साइड का भी टोटल हो गया 3,60,000, अब इनकी जरूरत नहीं है कट कर दो। अब इस 1,44,000 का जो अमाउंट आया है इसे क्या करना है, इस अमाउंट को आपको बांट देना है पार्टनर्स को किस रेशियो में इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है प्रॉफिट से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड क्या है साइलेंट, और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट बढ़ता है इक्वली, तो प्रॉफिट को इक्वली बांट देना है हमें। और प्रॉफिट कहाँ था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अगेन क्रेडिट साइड में, कहाँ था है क्रेडिट साइड में। तो 4 पॉइंट बना के यहाँ प्रॉफिट लिखो, आगे लिख दो 3 पार्टनर है तो 1:1:1। कोई दिक्कत होगा दोस्तों कैलकुलेट कर लो, 1,44,000 डिवाइड बाय 3 अमाउंट आएगा 48,000। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो ये है कि हमें सेपरेटली सारे कॉलम्स का अमाउंट करना है प्लस और टोटल वाले कॉलम में लिख देना है। तो पहले ए के डेबिट कॉलम का टोटल कर लो 30 प्लस 1,20,000 टोटल आएगा 1,50,000, 36 प्लस 48,000 अमाउंट आएगा आपका निकल के 84,000, 30 प्लस 60 अमाउंट आ जाएगा 90,000, 48 प्लस 72,000 अमाउंट आएगा आपका 1,20,000, 30 प्लस 90 1,20,000, 1,08,000 प्लस 48,000 अमाउंट होगा आपका 1,56,000। दोस्तों क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका खत्म ही हो चुका है, अब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताया समझने के लिए, लेकिन क्वेश्चन को खत्म करने से पहले एक बार मैं सम्स को अच्छे से और डिफाइन करूँगा जिससे आपको क्वेश्चन हो जाए बिल्कुल अच्छे से क्लियर। अब दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों कॉलम में सेपरेटली ए का डेबिट का और बी का अगेन सेपरेटली क्या करना है, सारे पार्टनर्स के कॉलम को हमें क्या करना है सेपरेटली कंपैरिजन करना है, क्या करना है कंपैरिजन। तो ए के डेबिट कॉलम का अमाउंट था 1,50,000 और क्रेडिट का कॉलम का अमाउंट था 84,000। तो दोस्तों आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ए का डेबिट कॉलम ज़्यादा है और क्रेडिट कॉलम है कम, कितने से ज़्यादा है माइनस कर दो, तो 1,50,000 माइनस 84,000 अमाउंट आएगा आपका निकल के 66,000, क्योंकि डेबिट का अमाउंट है इसलिए यहाँ डेबिट लिखेंगे। अगेन बी का भी कंपेयर करना है, बी का डेबिट का अमाउंट है 90,000 और क्रेडिट का अमाउंट है 1,20,000, इट मींस 30,000 से क्रेडिट साइड आपकी विगर है। अगेन सी का जो हमने टोटल किया तो डेबिट कॉलम का टोटल निकला 1,20,000 और क्रेडिट का निकला है 1,56,000, आपको क्लियरली दिख रहा है सी का क्रेडिट कॉलम ज्यादा है 36,000 से। क्लियर, बस क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करनी है फाइनल, जिसके हमें मार्क्स मिलते हैं फाइनल, जिसका हमें एंड रिजल्ट चाहिए, हमें कर देनी है एंट्री पास। तो जो डेबिट हो रहा है उसे डेबिट कीजिए, जो क्रेडिट हो रहा है उसे करेंगे हम क्रेडिट। तो दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ ए डेबिट हो रहा है 66 से, बी क्रेडिट हो रहा है 30,000 से और सी भी क्रेडिट हो रहा है 36,000। तो फाइनली कर देनी है हमको एंट्री, ए डेबिट हो रहा है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट टू
सीज कैपिटल अकाउंट। ए 66,000 से हो रहा था डेबिट, डेबिट कर दिया। बी क्रेडिट हो रहा है 30,000 से, क्रेडिट कर दिया। और सी भी क्रेडिट हो रहा है लेकिन वो हो रहा है 36,000 से, तो उसे भी कर दिया क्रेडिट। दोस्तों क्वेश्चन को चेक करने का बड़ा ईजी तरीका होता है, जब आप फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री करोगे, जो कि मैंने कर दिया आपके सामने दिख रखी है, इस एंट्री में आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड आनी चाहिए बराबर। दोनों को ऐड करोगे, डेबिट में आपको 66 का बैलेंस दिख रहा है, तो क्रेडिट को ऐड करोगे 30+36, ये भी हो जाएगा 66। इसका मतलब आपका क्वेश्चन है सही, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपकी डेबिट क्रेडिट साइड अगर इक्वल हो रही है तो क्वेश्चन आपका दे जाएगा बिल्कुल सही है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे को अगर कोई किसी बच्चे को या मेरे दोस्तों को कन्फ्यूजन हो तो उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। एक बार फिर से क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद में, ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद में सबसे पहले बनाओगे आप एनालिटिकल टेबल। जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनाओगे, वन कॉलम प्लस करोगे, दैट इज नोन एज फर्म्स कॉलम। इस सम्स में तीन कॉलम है तो हमने क्या किया, 3+1 4 कॉलम बनाए, 1 for A, 1 for B, 1 for C एंड लास्ट 1 for the firms। और हर एक पार्टनर कॉलम को हमने डिवाइड किया 2 कॉलम में, ए का भी डेबिट एंड क्रेडिट को डिवाइड किया, बी में भी, बी के कॉलम को भी हमने डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड किया, और सी के कॉलम को भी हमने डेबिट एंड क्रेडिट में ही डिवाइड किया है, सेम किया हमने फर्म के साथ में। दोस्तों जब आपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की थी तो आपको पता था अच्छे से 3 लाख आई थी, और ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपकी कितनी आई थी 30,000, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए तो 12%, लेकिन क्वेश्चन कितना दे दिया है 10% अलाउड कर दिया, बाय मिस्टेक गलती हो गई। अब इस गलती को सुधारने के लिए क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती है क्रेडिट, उसका इफेक्ट नोलीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक आया था 30,000, इफेक्ट नोलीफाई करने के लिए कर दिया उसे डेबिट। बी को 60,000 आया था, उसका भी इफेक्ट नोलीफाई करने के लिए कर दिया हमने डेबिट। और सी का आया था 90,000, इफेक्ट नोलीफाई करने के लिए कर दिया है डेबिट। अब हमने देखा जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट में आ रही है तो फर्म में कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, हमेशा रिवर्स में जाती है। ऐड किया सबको, टोटल हुआ 1,80,000 क्रेडिट साइड में ऊपर दिया, सेम किया हमने प्रॉफिट के साथ में, प्रॉफिट जो दे रखा है 1,80,000 जो गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 4:1:1 में, इसका भी इफेक्ट कर दिया हमने नलीफाई और कैलकुलेट कर लिया 1,80,000 को 4:1:1 में। तो एक अमाउंट आया था 1,20,000, बी का आया 30,000 और सी का भी आया है 30,000, इफेक्ट नलीफाई करने के लिए क्या कर लिया है हमने इनको डेबिट। सबका टोटल किया 1,80,000 आया, जिसे हमने दिखाया क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा रहे हैं हम कहाँ, डेबिट में, क्लियर। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने ना, जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है जनरली जैसे क्वेश्चन बोला गया है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो 12% हमें क्या करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है। आपको पता था जब हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की आई थी 3 लाख 6 लाख और 9 लाख, जब 3 लाख को हमने 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 36,000 आया, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है क्रेडिट साइड में, शो कर दिया। 6 लाख पर 12% निकाला 72,000 आया, अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और 9 लाख पर निकाला हमने आया, हमारा अमाउंट आया 1,08,000, इसे भी शो कर दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। दोस्तों ये वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है, बस हमें एज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ट्रीट करना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फाइनली हमने सबका टोटल किया तो अमाउंट आया हमारा 2,16,000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ये वैल्यू जो आ रही है तो आप फर्म कहाँ शो करोगे, डेबिट साइड में, कहाँ से ओवर हो गए, डेबिट साइड में। बड़ा सिंपल सा रूल कहता है कोई वैल्यू एप्रोप्रिएशन में फर्म में या डेबिट में तो उसके रिवर्स अकाउंट मीन कैपिटल अमाउंट का कैपिटल में आप कहाँ से करोगे, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट जब हमने टोटल किया, सेपरेट टोटल किया, इस कॉलम का अमाउंट आया था 3,16,000 और इस कॉलम का अमाउंट है केवल 2,60,000, बैलेंस निकाला हमारा बैलेंस कम था 1,44,000, जो कम वाली साइड में हमने शो कर दिया। कोई कंफ्यूजन दोस्तों, जब फर्म में ये अमाउंट आया डेबिट साइड में तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, अपोजिट साइड में जाता है, कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्लियर। प्रॉफिट के लिए पार्टनर सीट क्या है, साइलेंट, तो ये प्रॉफिट आया 1,44,000 किस रेशियो में बढ़ेगा, इक्वली, और इक्वली जब कैलकुलेट किया तो 48,000 इंडिविजुअली सारे पार्टनर्स के अमाउंट कर लिए हमने टोटल सारे कॉलम्स का। ए का डेबिट टोटल किया 1,50,000, ए का क्रेडिट टोटल किया 84,000, बी का डेबिट 90,000, बी का क्रेडिट 1,20,000, सी का डेबिट 1,20,000, सी का क्रेडिट 1,56,000। फाइनली हमें क्या करना है, पर्टिकुलर पार्टनर क्या करेगा, अपने खुद के कॉलम में डेबिट कॉलम में और क्रेडिट कॉलम में करेगा कंपैरिजन। तो एक के डेबिट कॉलम का अमाउंट था 1,50,000, क्रेडिट का था 84,000, इट मींस आपका डेबिट कॉलम का अमाउंट ज्यादा है, कितने से है 66 से, डेबिट के नाम से हो गया क्योंकि डेबिट का अमाउंट ज्यादा है। बी का 91,20,000, क्रेडिट ज्यादा है, कितने से 30 से। सी का 120,150, क्रेडिट ज्यादा, कितने से 36 से। बस
फाइनली कर देनी है आपको एंट्री, जो डेबिट है उसे डेबिट करो, जो क्रेडिट है उसे कर देंगे क्रेडिट विद अमाउंट। एंट्री आपके सामने है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल अकाउंट। ओके दोस्तों, आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉच करें। धन्यवाद दोस्तों, आगे देखते रहिए इसी वीडियो को। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, उन क्वेश्चंस के साथ मैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊंगा।